Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And nowadays, I am discussing issues and topics of educational philosophy, in which this time I am going to discuss a very relevant and oldest philosophy, that is idealism. The lecture will be in bilingual mode and it must be useful for your various competitive teaching examinations as well as for your general BA, MA and professional BEd, MEd courses. So let's start. Idealism. Hindi mein bolein to adarshvad. Jo bachche padhkar nahi jayenge, anuman ke taur par likhna chahenge, wo adarshvad pucha jayega to wo pura adarsh se bhar denge. कि आजकल छात्रों में आदर्श का अभाव है, पहले बहुत अच्छा था, आदर्श थे, आदर्शों का क्षरण हो रहा है और ऐसा वैसा. वो नहीं जानते कि आइडियलिज्म है तो आदर्शवाद, लेकिन इसका जो मेन कंसेप्ट है वो आइडिया है. तो कायदे से ये आइडियाइज्म होना चाहिए, लेकिन बोलने में दिक्कत हो रही होगी या जो भी इसका नाम आइडियलिज्म है, ये आइडियाइज्म है एक तरीके से. तो देख, आदर्शों की भी बात की गई है, नो डाउट इसमें आदर्शों की बात की गई है, पर ये विचारवाद है एक तरीके से. आइडियलिज्म इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ फिलोसफी नोन टू मैन. यानी कि अगर इंसान की जानकारी में जो सबसे पुराना दर्शन है वही आदर्शवाद है. इट्स ओरिजिन गोज बैक टू एंशियंट इंडिया इन द ईस्ट एंड टू प्लेटो इन द वेस्ट. यानी कि प्राचीनतम भारत में इसका आप ओरिजिन समझ सकते हैं, या पश्चिमी देशों में देखें तो प्लेटो से इसका उद्भव माना जाता है. जनरली आइडियलिस्ट बिलीव दैट आइडियाज आर द ट्रू रियलिटी. देखिए, जब भी आप कोई फिलोसफी पढ़िए तो उसको पिछली पढ़ी हुई फिलोसफी से कंपेयर भी करते चलिए. प्रकृतिवाद में क्या था, प्रकृति ही सब कुछ थी. प्रकृति के परे, प्रकृति के बियॉन्ड, प्रकृति के बिहाइंड वो कुछ नहीं मानते थे. उसी तरह से आदर्शवादी जो हैं वो विचार ही सत्य है उनके हिसाब से. अकॉर्डिंग टू देम द ह्यूमन स्पिरिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन लाइफ. देखिए, यहाँ पे स्पिरिट और माइंड को एक ही कहा है. ठीक है, तो आप स्पिरिट का मतलब पूरी तरीके से मन से ही है. तो ये कह रहे हैं, यहाँ लास्ट में कहीं आ जाएगा ना, रिड्यूसिबल टू माइंड और स्पिरिट, तो आप इसको मन समझ लीजिए. वो कह रहे हैं कि जो मन है वही सबसे इंपॉर्टेंट आपके जीवन का तत्व है. ऑल ऑफ रियलिटी इज रिड्यूसिबल टू वन फंडामेंटल सब्सटेंस स्पिरिट. कहीं कहीं इसको आत्मा भी कह सकते हैं, लेकिन मन कहिए आप. वो कह रहे हैं कि जितना भी यथार्थ है उसको आप कहाँ तक छोटा कर सकते हैं, रिड्यूस करते करते एक फंडामेंटल सब्सटेंस यानी आप अपने मन तक ला सकते हैं. द यूनिवर्स द यूनिवर्स is viewed as essentially non-material in its ultimate nature. ये कह रहे हैं कि जो ब्रह्मांड है, मतलब ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड दो तरीके से मान लीजिए बना है, एक स्पिरिचुअल मटीरियल से, स्पिरिट से, और एक मटीरियल से. तो मटीरियल को तो वो बिल्कुल भी मान नहीं रहे हैं कि कुछ भी है. यूनिवर्स इज व्यूड एज एसेंशियली नॉन मटीरियल इन इट्स अल्टीमेट नेचर. यानी कि कह रहे हैं कि ब्रह्मांड जो कुछ भी है, वो जो पदार्थ आपको दिख रहा है उससे मतलब नहीं, सिर्फ विचारों से मतलब है. यानी कि एब्स्ट्रैक्ट चीज को इन्होंने महत्ता दी है. मैटर इज नॉट रियल, ये कह रहे हैं पदार्थ रियल है ही नहीं. रादर इट इज ए नोशन, ये सिर्फ एक नोशन है, ये आप कह सकते हैं आपकी कल्पना है. एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द माइंड, यानी कि मन का ही एक एब्स्ट्रैक्शन, एक अमूर्त रूप है जो मैटर है. देखिए, मैं आपसे बोल रही थी ना कि फिलोसफी इतनी आसान नहीं है कि आपने बस सरसरी तौर पर पढ़ी और पढ़ के लिख के, मतलब याद करके लिख के आप आंसर और नंबर पा सकते हैं एग्जामिनेशन में, पर इसको समझने के लिए आप इसको बार बार पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा. मैटर इज नॉट रियल, हम लोगों के लिए क्या है, हम लोग के लिए तो मैटर ही रियल है, लेकिन आइडियलिस्ट कहते हैं मैटर इज नॉट रियल, रादर इट इज ए नोशन एंड एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द माइंड. इट इज ओनली द माइंड दैट इज रियल, ये कह रहे हैं सिर्फ मन है जो सत्य है, जो वास्तविक है, जो रियलिटी है. ठीक है, देयरफॉर ऑल मटेरियल थिंग्स दैट सीम्स टू बी रियल आर रिड्यूसिबल टू माइंड और स्पिरिट. तो वो कह रहे हैं कि वो सभी पदार्थ नुमा वस्तुएं जो हमको दिखती हैं, जो हमको सच लगती हैं, वो रिड्यूस की जा सकती हैं मन या आत्मा तक. The philosophical doctrine that stems from the category of thought associated with ideas is idealism. है ना, यानी कि इसका जो main केंद्र बिंदु है वो विचार है. It asserts that reality of everything lies in ideas, thought and mind, not in material thing. वो कह रहे हैं कि हर चीज की सत्यता जो है विचारों में और आपके सोच में निहित है, आपके मन में निहित है, material thing में नहीं है.
Idealists are understood to represent the world as it might or should be, unlike pragmatists who focus on the world as it presently is. अभी pragmatism हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, प्रयोजनवाद, तो ये कह रहे हैं कि जो आदर्शवादी हैं, वो संसार को उस रूप में देखते हैं, उस रूप में समझने की कोशिश करते हैं जिस रूप में उसको होना चाहिए, जबकि प्रयोजनवादी उस स्थिति में संसार का अध्ययन करते हैं जैसा कि वो है. मतलब ये हमको शुड भी बताते हैं, ये हमको करना चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, इस तरीके से. फिर आइडियलिज्म इज एनी फिलोसफी विच आर्ग्यूज दैट द ओनली थिंग्स नोएबल आर कॉन्शियसनेस और द कंटेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉट एनीथिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड इफ सच अ प्लेस एक्चुअली एग्जिस्ट्स. देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई चीज अगर एग्जिस्ट करती भी है आउटसाइड वर्ल्ड में तो वो कोई जानने लायक नहीं है. जानने लायक चीज क्या है, सिर्फ हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना और हमारी चेतना का कंटेंट. इंडीड idealism often takes the forms of arguing that the only real things are mental entities, not physical things, and argues that reality is somehow dependent upon the mind rather than independent of it. ये कह रहे हैं कि वास्तव में जो idealism है, जो आदर्शवाद है आपका, वो इस बात के लिए तर्क करता है कि सिर्फ जो मानसिक entities हैं, वही सत्य हैं, वही सच है, और physical things नहीं है. और वो कहता है कि reality is somehow dependent upon the mind rather than independent of it. यानी कि जो कुछ भी रियलिटी है वो हमारे मन पर निर्भर करती है, मन से परे कोई रियलिटी नहीं है. ओके, इन शॉर्ट द मेन टेनेट ऑफ आइडियलिज्म इज दैट आइडियाज एंड नॉलेज आर द ट्रूएस्ट रियलिटी. तो सार क्या निकल के आया कि सिर्फ जो विचार हैं, जो ज्ञान है, वही सच है. मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड चेंज बट आइडियाज एंड नॉलेज आर एंड्योरिंग. वो कह रहे हैं संसार में बहुत सी चीजें बदल सकती हैं लेकिन आपका जो विचार है वो नहीं बदलता. एंड्योरिंग मतलब हमेशा सतत रहता है. अकॉर्डिंग टू देम वैल्यूज आर इटर्नल. ये कहते हैं कि जो मूल्य हैं वो सतत हैं. दे बिलीव इन थ्री स्पिरिचुअल वैल्यूज, शाश्वत है मतलब हमेशा रहते हैं. और वो तीन आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास करते हैं. कौन कौन से? ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस, जिसको सत्यम शिवम सुंदरम भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है. ठीक है, ट्रुथ इज एन इंटेलेक्चुअल वैल्यू. जो कह रहे हैं सत्य है वो हमारा बौद्धिक मूल्य है. जो सुंदरता है वो सौंदर्यात्मक मूल्य है. और जो अच्छाई है वो नैतिक मूल्य है. ठीक है, क्या है इसका थ्योरेटिकल रेशनल देखें, रैशनल देखें, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी के तहत आइडियलिज्म क्या है. तो इसके लिए तत्वमीमांसा क्या है, कह रहे हैं कि द पर्सन विद एन आइडियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू बिलीव्स दैट रियलिटी इज बेसिकली स्पिरिट रादर देन मैटर. यानी कि इनके लिए मेन रियलिटी क्या है, स्पिरिट है, मैटर नहीं है, पदार्थ नहीं है. फॉर द आइडियलिस्ट द आइडिया इज मोर रियल देन द थिंग. वो कह रहे हैं विचार जो है वो वस्तु से ज्यादा वास्तविक है. सिंस द थिंग ओनली रिफ्लेक्ट्स और रिप्रेजेंट्स द आइडिया. The world of spirit or idea, that is the immaterial world, is static and absolute. ये कह रहे हैं जो material thing है वो तो बेकार है, जो immaterial है वही सत्य है, वही स्थिर है, वही static है, वही absolute है. Okay? तो ये तत्वमीमांसा हो गई इनकी. ज्ञान किसको मानते हैं ये, क्योंकि ये कहते हैं कि reality is spirit, क्योंकि मन और आत्मा को ये सच मान रहे हैं. इसलिए कह रहे हैं कि idealists believe that knowledge results from the mind grasping reality. यानी कि जो मन से ज्ञान निकलता है, मन से ज्ञान की उत्पत्ति होती है. Since the mind and the ideas that it knows are immaterial, the process of knowing is entirely abstract. इसलिए अमूर्त चिंतन को ये ज्ञान प्राप्त करने का सही तरीका मानते हैं. और एक्सियोलॉजी यानी इनके हिसाब से मूल्य और सौंदर्य क्या है, ये कह रहे हैं कि फॉर द आइडियलिस्ट गुडनेस इज फाउंड इन द आइडियल, दैट इज इन परफेक्शन. वो कह रहे हैं कि आदर्शों में ही अच्छाई निहित है. इट इज फाउंड ऑन द इमेटीरियल लेवल. ये इमेटीरियल लेवल पर पाई जाती है. परफेक्ट कंसेप्ट हो सकता है, नोशन हो सकता है, आइडिया हो सकता है. वो कह रहे हैं परफेक्ट गुडनेस इज नेवर टू बी फाउंड, फाउंड होना चाहिए था ये, इन द मेटीरियल वर्ल्ड. यानी कि पूरी तरीके से अच्छाई कोई चीज में नहीं है. Will for the idealist consists of the absence of the ideal. तो बुराई किसको कहेंगे, मतलब अच्छाई किसमें है, आदर्श में है. पूरी तरीके से अच्छा कुछ है नहीं. और बुराई किसमें है, जहां आदर्श नहीं है वही बुरा है. और एस्थेटिक्स क्या है, when an idealist wants to visually or audibly represent an idea, his or her approach will be to get that idea across to the viewer or listener. ये कह रहे हैं कि जब कोई आदर्शवादी किसी को कुछ दिखाना चाहता है या सुनाना चाहता है किसी विचार के बारे में, तो उसका मेन जो इम्फेसिस होता है वो किस पे होता है, वो स्पेसिफिक और कॉन्क्रीट इंस्टेंसेज में रुचि नहीं रखता. वो सिर्फ रियलिटी में रुचि रखता है कि वो जनरल आइडिया उसका प्रेजेंट कर सके. दैट्स इट, ये उसका सौंदर्य है. और
एजुकेशन, शिक्षा में आदर्शवाद ने क्या कहा, द पर्पस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म इज द डेवलपमेंट ऑफ द माइंड एंड सेल्फ ऑफ द पीपल, कि सब कुछ माइंड है इसलिए कह रहे हैं कि मन का विकास ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, है ना। दे लाइक टू एजुकेट द चाइल्ड फॉर मेनली टू रीजंस, वो दो कारणों से बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, क्यों, फर्स्टली एजुकेशन इज अ स्पिरिचुअल नेसेसिटी एंड सेकेंडली एजुकेशन इज ऑल्सो अ सोशल नेसेसिटी। वो कह रहे हैं कि जो शिक्षा है वो आध्यात्मिक रूप से भी आवश्यक है और वो सामाजिक रूप से भी आवश्यक है, इसलिए बच्चे को पढ़ाना जरूरी है। सो द स्कूल शुड एम्फेसाइज इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, तो विद्यालय को क्या करना चाहिए, बौद्धिक एक्टिविटीज को एम्फेसाइज करना चाहिए, मॉरल जजमेंट को, एस्थेटिक जजमेंट, मॉरल जजमेंट मतलब नैतिक निर्णय ले सके, सौंदर्यात्मक निर्णय ले सके, स्वयं को पहचान सके, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, सेल्फ कंट्रोल कर सके, ताकि उसका विकास समुचित तो हो सके। इन एसेंस आइडियलिस्ट एडवोकेट दैट, तो हम सार रूप में कह सकते हैं कि शिक्षा के लिए आदर्शवाद क्या कहता है, कहता है कि एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ अनफोल्डिंग एंड डेवलपिंग दैट विच इज ए पोटेंशियल इन द ह्यूमन पर्सन, इट इज अनफोल्डिंग ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी अनफोल्डेड। देखिए ये विवेकानंद जी का जो शिक्षा पे डेफिनेशन है वो भी ये कहता है ना कि जो कुछ पहले से हमारे अंदर नहीं थे उसी की अनफोल्डिंग है शिक्षा। Learning is a discovery process in which the learner is stimulated to recall the truth present within the mind. वो कह रहे हैं कि अधिगम क्या है, अधिगम एक तरीके की खोज की प्रक्रिया है जिसमें कि लर्नर को आप स्टिमुलेट कर सके कि मन के अंदर जो स्थित सत्य है उसको वो निकाल सके। कहने का मतलब है कि इसमें भी ये कहने का मतलब कि आपको कुछ सिखाना नहीं है, पढ़ाना नहीं है, सब कुछ आपके अंदर निहित है, सिर्फ आपको उसको बाहर निकालना है। The teacher should be a moral and cultural exemplar or model of values that represent the highest and best expression of personal and humane development. वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा आता जाता साधारण लेमैन आदमी शिक्षक नहीं बन सकता, वो महान नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य उसके पास होने चाहिए जिससे कि वो जो छात्र है उसका मतलब उसको फॉलो कर सके और बढ़िया पर्सनल और ह्यूमेन डेवलपमेंट वो छात्र का कर सके। करिकुलम क्या होना चाहिए आदर्शवाद के हिसाब से, इन्होंने चुकी स्पिरिचुअल साइड ऑफ मैन पे इनका एम्फेसिस है जबकि नेचुरलिज्म स्पिरिचुअल को बिल्कुल नहीं मानते, है ना। तो प्लेटो जो कि ग्रेट एक्सपोनेंट आइडियलिज्म के थे, उन्होंने कहा कि हाईएस्ट आइडिया ऑफ लाइफ इज द अटेनमेंट ऑफ द हाईएस्ट गुड। वो कह रहे हैं कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य हम पालेंगे अगर हम ईश्वर को पालेंगे या सबसे अच्छी चीज पालेंगे। हेंस करिकुलम ऑट टू इम्पार्ट इनहेरेंट वैल्यूज इन ऑर्डर टू इनेबल द एजुकेंट टू अटेन हिज हाईएस्ट गुड, यानी कि हमारे अंदर जो इनहेरेंट वैल्यूज है उसको बाहर निकालने का काम करिकुलम या शिक्षा को करना है। तो हमको क्या क्या पढ़ाया जाए, लैंग्वेज पढ़ाया जाए, लिटरेचर पढ़ाया जाए, साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एस्थेटिक एक्टिविटीज पॉसिबल हो वो भी कराई जाए, आर्ट, पोएट्री, मॉरल एक्टिविटीज, रिलीजन, इथिक्स और मेटाफिजिक्स भी पढ़ाया जाए इन अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट्स। टीचर का रोल, या जैसे कि नेचुरलिज्म है, टीचर का कोई रोल नहीं है, उसको बिल्कुल कुछ इंटरफेयर नहीं करना, उसको कुछ नहीं करना है, सब बच्चे को करना है। यहाँ पे शिक्षक को ही सब करना है। आइडियलिज्म बिलीव्स दैट पीपल्स कैच फायर फ्रॉम अ टीचर हु इज हिमसेल्फ अ फ्लेम। वो कह रहे हैं कि बच्चा उसी शिक्षक से कुछ सीख सकता है जिसमें सतत ज्योति जल रही हो ज्ञान की, है ना। तो आइडियलिस्ट हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द टीचर, तो शिक्षकों से इनकी बहुत मतलब एक्सपेक्टेशंस हैं, आशाएं हैं, और वो कहते हैं कि टीचर मस्ट बी आइडियल इन ऑर्डर टू सर्व एज एन एग्जाम्पल फॉर द स्टूडेंट बोथ इंटेलेक्चुअली एंड मॉरली। शिक्षक ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे के सामने नैतिक रूप से और बौद्धिक रूप से आदर्श प्रस्तुत कर सके। टीचर शुड नॉट ओनली अंडरस्टैंड द स्टेजेस ऑफ लर्निंग बट ऑल्सो मेंटेन कॉन्स्टेंट कंसर्न अबाउट द अल्टीमेट पर्पज ऑफ लर्निंग, और अल्टीमेट पर्पज ऑफ लर्निंग क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर को पाना, इस तरीके की बातें। Some idealists emphasize the importance of emulation in learning for which they feel the teacher should be the kind of person we want our children to become. यानी कि शिक्षक उस तरीके का हो जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारे छात्र उस तरीके के बने, क्योंकि छात्र उसको इमिटेट करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन opines the type of education which we may give to our youth depends on the fact that what type of teachers we get, है ना। ये भी वही बात करें दूसरी तरीके से कि जिस तरीके की शिक्षक हमको मिलते हैं उसी तरीके की शिक्षा हम अपने शिक्षार्थियों को दे सकते हैं। प्रिंसिपल्स क्या है, कौन से सिद्धांतों पर बेस्ड है, टू फॉर्म्स ऑफ द होल वर्ल्ड, कौन कौन से, स्पिरिचुअल और मटेरियल, और ये एम्फेसिस किस पे कर रहे हैं, स्पिरिचुअल पे। आइडियाज आर मोर इम्पोर्टेंट देन ऑब्जेक्ट्स, जो विचार हैं वो वस्तुओं से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। प्रकृति के ऊपर इन्होंने महत्ता दी है मैन की, क्यों, क्योंकि माइंड को महत्ता देते हैं। फेथ इन स्पिरिचुअल वैल्यूज, आध्यात्मिक मूल्यों में इनका विश्वास है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, और फुल सपोर्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता के सिद्धांत को भी बल है।
एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होगा आइडियलिज्म के हिसाब से? सेल्फ रियलाइजेशन. क्यों? क्योंकि माइंड का डेवलपमेंट चाहिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहिए, ट्रुथ ब्यूटी और गुडनेस को कल्टिवेट करे शिक्षा. कंजर्वेशन, प्रमोशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसका कंजर्व संरक्षण हो, उसको संवर्ध किया जाए, बढ़ाया जाए, उसका दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसमिट किया जाए. और इंटेलिजेंस और रैशनैलिटी के भी डेवलपमेंट की बात की गई है. और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स अगर देखें तो क्या गुण और क्या अवगुण है, तो गुण बहुत सारे हैं, जैसे कि हाइएस्ट वैल्यूज के इंकल्केशन की बात की गई, ट्रुथ ब्यूटी गुडनेस, है ना, मॉरल कैरेक्टर की बात की गई है, टीचर को इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ की बात है, क्रिएटिव एनर्जीज के स्टिमुलेशन की बात है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसी के बाद स्कूल जो था वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना. लेकिन डीमेरिट्स भी हैं. क्या ये अल्टीमेट एंड ऑफ लाइफ की तो बात करते हैं, लेकिन जो जीवन चल रहा है रियल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन की बात नहीं करता है आइडियलिज्म. मोर एम्फेसिस ऑन थिंकिंग एंड मेंटल एक्टिविटीज, दिस इंक्रीजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म अननेसेसरीली, यानी बौद्धिकता पर अत्यधिक बल है अनावश्यक रूप से. गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू टीचर इन रिलेशन टू द चाइल्ड, तो अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के हिसाब से देखेंगे तो इसके लिए बिल्कुल फिट नहीं बैठती, क्योंकि शिक्षक को ज्यादा बल देती है, ज्यादा महत्व देती है, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है और बाकी डेवलपमेंट पे उतना ध्यान नहीं दिया गया है. ठीक है, तो ये रहा आपका आइडियलिज्म. निश्चित रूप से ये आइडियाइज्म है, इस हिसाब से इसको याद करिएगा. आदर्श 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 अपने उत्तर में अननेसेसरीली नहीं लिखिएगा. विचार मुख्य है आइडियलिज्म में. ओके, विचार ही सत्य है, विचार के परे कुछ भी नहीं है, वही सत्य है, वही शाश्वत है, वही अनवरत है. ओके, सो आई थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई हैव डन इट.